अस्सलाम वालेकुम, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की वीडियो में हमने डिस्कस करना है जी क्लासिफिकेशन ऑफ एलजी। तो वीडियो के जो बेसिकली कंटेंट होंगे, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे एलजी का, जिसमें हम डेफिनेशन देखेंगे, उसकी बात करेंगे एलजी की जो बेसिक करेक्टरिस्टिक्स होती हैं उनकी। देन हम बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन देखेंगे कि वो कौन सी चीज़ें हैं जिनकी बेस पे एलजी को क्लासिफाई किया जाता है। फिर हम डिफरेंट जो साइंटिस्ट हैं उनकी क्लासिफिकेशन देखेंगे, उनके लिहाज से जो एलजी की क्लासेस बनाई हैं उनके हम ना नेम डिस्कस करेंगे और सिंपली उनके जनरल फीचर्स, और देन जो है ना हम फिर आगे एलजी की जो मेन क्लासिफिकेशन है, जो मेन क्लासेज है उनको हम डिस्कस करेंगे। जनरल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलजी की बात करें तो एलजी आर फोटोसिंथेटिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। फोटोसिंथेटिक यानी ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, और यूकैरियोटिक यानी इनमें ट्रू न्यूक्लियस होता है, इनके सेल में जो है वो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। और फोटोसिंथेटिक यानी ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, इनमें क्लोरोफिल भी पाया जाता है ऑर्गेनिज्म में जो अपनी फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। दे आर कॉमनली फाउंड इन एक्वेटिक इन्वायरमेंट, ये एक्वेटिक इन्वायरमेंट में कॉमनली पाए जाते हैं, ये जो पानी वाला इन्वायरमेंट है उसमें फ्रेश वाटर भी हो सकते हैं जो फ्लोइंग वाटर है, या मरीन भी हो सकता है समुद्र वगैरह में, और ब्रैकिश वाटर भी हो सकता है जो साल्टी वाटर है उसमें भी। दे आर इधर मोटाइल आर नॉन मोटाइल। अब ये जो है ना मोटाइल यानी ये मूवमेंट कर सकते हैं जिनके पास फ्लैजेला वगैरह होते हैं मूव करने के लिए, और ये जो है ना वो नॉन मूवेबल होते हैं यानी ये मूवमेंट नहीं करते। सम ऑफ द मोटाइल एंड नॉन मोटाइल एलजी मे फॉर्म अ कॉलोनी, कॉलोनी भी ये बनाते हैं नॉन एज सिनोबियम, और उन कॉलोनी को उस कॉलोनी को सिनोबियम कहते हैं। कि ये इस तरह जैसे हमने वोल्वॉक्स के बारे में पढ़ा था कि ये इस तरह मिलके सेल जो होते हैं वो इकट्ठे होकर कॉलोनीज बना लेते हैं। ये मोटाइल भी हो सकते हैं और नॉन मोटाइल। जो अब वोल्वॉक्स की कॉलोनी होती हैं वो मोटाइल होती हैं, उनके दो फ्लैजेला होते हैं। एलजी पोजेस द यूजुअल यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर, यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर होता है जिस तरह एक जो सेल है, ट्रू यू का मतलब होता है ट्रू, क्रियाटिक का मतलब होता है न्यूक्लियस, कि वो सेल जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, तो इसी तरह न्यूक्लियस और इसमें जो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स है वो भी प्रेजेंट होती है, जिसमें गॉल्जी ऑपरेटस आता है, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड न्यूक्लियस है। द एलजी इंक्लूड्स बोथ इन माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलर, बिल्कुल छोटे एक सेल हो सकता है, और माइक्रोस्कोपिक यानी बिल्कुल जी विद हम जो है नेकेड आई से उसको सीन नहीं कर सकते, इतने छोटे भी हो सकते हैं, टू मैक्रोस्कोपिक, और मैक्रो का मतलब होता है बहुत बड़े, बिग यानी वो मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म भी हैं, यानी एक से ज्यादा सेल के भी बने हुए हैं। मोस्ट ऑफ द एलजी आर ऑटोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफिक ऑटो का मतलब होता है कि खुद दे कैन प्रिपेयर देयर फूड बाय ऑन, कि वो अपनी फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। करेक्टराइज बाय देयर एबिलिटी टू यूज द कार्बन डाइऑक्साइड एज कार्बन सोर्स एंड लाइट एज एनर्जी सोर्स, तो बिल्कुल जिस तरह प्लांट्स में होती है फोटोसिंथेसिस, इस तरह ये करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड को भी इस्तेमाल करते हैं और लाइट को जो है एनर्जी के तौर पर इस्तेमाल करते हैं और फूड प्रिपेयर करते हैं। रिप्रोडक्शन की इनकी बात करें तो ये दोनों वे से रिप्रोड्यूस हो सकते हैं, सेक्सुअली भी और एसेक्सुअली भी, यानी दो जो है ना गैमेट भी फ्यूज होते हैं, और ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी इनमें हो सकती है इनके बॉडी पार्ट की वजह से। ये होती है जी मॉर्फोलॉजी एक एल्गल सेल की, कि ये देखें ये इसने क्लेमेंडोमोनास जो है उसके दिया कि उसमें दो फ्लैजेला हैं, कंट्रैक्टाइल वैक्यूल हैं जो इसको हेल्प करते हैं मूवमेंट करने में, आई स्पॉट हैं जहाँ पे जो है ना वो यहाँ वैक्यूल में जो है ना वाटर भी स्टोर होता है, आई स्पॉट होते हैं। देन माइटोकॉन्ड्रिया होता है, पावर हाउस ऑफ द सेल, गॉल्जी ऑपरेटस है, क्लोरोप्लास्ट है जो इसको फोटोसिंथेसिस करने में हेल्प करता है, स्टार्च ग्रैन्यूल पेरिनाइड है, स्टार्च ग्रैन्यूल जो फूड ये स्टोर करते हैं। बेसिस क्लासिफिकेशन की एलजी में देखें तो एलजी जो होते हैं ना वो फॉलोइंग जो करेक्टरिस्टिक्स हैं उनकी बेस पे क्लासिफाई की जाती हैं, केमिकल एंड फिजिकल फीचर ऑफ द सेल वॉल, कि इनकी सेल वॉल के जो केमिकल और फिजिकल फीचर हैं, एक तो केमिकली जो सेल वॉल किस चीज़ की बनी हुई है उस लिहाज से इनको क्लासिफाई किया जाता है, फिर फिजिकली इनकी सेल वॉल किस तरह की है वो उस लिहाज से इनको क्लासिफाई किया जाता है। दूसरे नंबर पे आता है नेचर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ पिगमेंट्स, कि नेचर किस तरह की है पिगमेंट्स की, और दूसरा उनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है, कंट्रीब्यूट टू फोटोसिंथेसिस, और वो किस तरह कंट्रीब्यूट करते हैं फोटोसिंथेसिस, इस लिहाज से इनको ग्रीन एलजी कहा जाता है, रेड एलजी कहा जाता है, ब्राउन एलजी कहा जाता है, पिगमेंट्स की वजह से। पिगमेंट्स होते हैं जो कलरिंग जो सब्सटेंस होते हैं। मॉर्फोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल्स एंड थैली, फिर जो मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर्स होते हैं सेल और थैली के, कि इनका सेल जो है मॉर्फोलॉजिकली किस तरह का है, ये कॉलोनी बना के रहते हैं या यूनिसेलर है या मल्टी सेलर है। देन थैलस इनका किस तरह का है, कि फिलामेंटस थैलस है, ठीक है, फिलामेंट की तरह है या फिर स्फेरिकल है, ये सारी चीजें मैटर करती हैं। हैबिटेट यानी ये किस जगह रहते हैं, एक्वेटिक है या टेरिस्ट्रियल है, एरियल है, एंडोजोइक है, एपिजोइक है यानी प्लांट के ऊपर रहते हैं, एनिमल्स में रहते हैं या एनिमल के ऊपर रहते हैं, फिर जो है ना एरियल पार्ट्स में रहते हैं, टेरिस्ट्रियल हैं, सॉइल वगैरह पे रहते हैं,
फिर क्रायो जो है ना फाइट्स हैं, और ये सारे जो है ना जिस तरह कुछ बर्फ पे रहते हैं ये चीजें। फ्लेजेला के नंबर पे एंड लोकेशन ऑफ देयर इंसर्शन इन मोटाइल सर, और उनकी लोकेशन क्या है, यानी वो जो है ना उसके जो है ना डार्सल साइड है, एंटीरियर साइड है या पोस्टीरियर साइड है, ये सारी चीजें इन लिहाज से भी डिफर जो है ना इसको और किया जाता है, क्लासिफाई किया जाता है। और रिप्रोडक्टिव बिहेवियर, एंड पे रिप्रोडक्टिव बिहेवियर उसमें कौन सा है, किस तरह वो रिप्रोडक्शन करते हैं, हैप्लोन्टिक एंड डिप्लोन्टिक है, ये चीजें मैटर करती है क्लासिफिकेशन के लिहाज से। अब जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है फ्रिज की जो क्लासिफिकेशन ऑफ एल्जी है। अब जो फ्रिज था ये एक साइंटिस्ट था जिसने इसको क्लासिफाई किया था। अब जो फ्रिज था उसने डिवाइडेड किया था 11 क्लासेस में 1945 में। तो ये जो फ्रिज का जो क्लासिफिकेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लासिफिकेशन इसकी बेस्ड करती है जी पिगमेंट्स पे, फ्लैजेला एंड रिजर्व फूड मटेरियल पे, कि इसमें इसने चीजें ली, एक तो पिगमेंट के उनमें कलरिंग पिगमेंट कौन सा है, कलरिंग सब्सटेंस कौन सा है, फिर फ्लैजेला उनमें कौन कितने हैं, किस साइड है, छोटे हैं बड़े हैं, देन रिजर्व फूड मटेरियल कौन सा है, स्टार्च है या ग्रेन्यूल्स है। इस तरह इनकी क्लासेस के अगर नाम लिखें, जो फ्रिस्ट ने क्लासेस दी थी इसमें क्लोरोफाइसी है जिसको ग्रीन एल्जी भी कहा जाता है, जेंथोफाइसी है, क्राइसोफाइसी है, बैसिलीरियोफाइसी है, क्रिप्टोफाइसी, डेनोफाइसी, क्लोरो मोनाइडी, यूग्लेनी, फिर फियोफाइकेसी और रोडोफाइकेसी और माइजोफाइकेसी। तो ये 11 क्लासेस इसने बनाई थी जो फ्रिस्चा इसने। अब जो नेक्स्ट कुछ क्लासिफिकेशन हम देख लेते हैं, जिसमें ली की क्लासिफिकेशन है जिसने फाइन जो है ना वो एस्पेक्ट यूज किए थे, ऑर्गेनेल्स जिसमें क्लोरोप्लास्ट है, ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फ्लैजेलम, ई आई स्पॉट न्यूक्लियस, इन चीजों को उसने क्लासिफाई करके एलजी को 6 डिवीजन में और 15 क्लासेस में डिवाइड किया था। तो ये ली की क्लासिफिकेशन है जिसने 1980 में दी थी। और ये 6 जो डिवीजन थी उनके नेम है जी, जिसमें साइनोफाइटा है, ग्लोकोफाइटा है, क्रोमोफाइटा है, रोडोफाइटा, क्लोरोफाइटा और कैरोफाइटा, ये जो थी ना ली की क्लासिफिकेशन थी। उसके बाद रोस्वाकी है, रोस्वास्की जो है ना इस और पार्कर, इन दो ने 1982 में क्लासिफाई किया था एलजी को 15 क्लासेस में। उसके बाद आता जी वेंडन हुक, वेंडन ही हुक ने जो है 1995 में क्लासिफाई किया एलजी को 11 डिवीजन में, और इनके नाम है जी साइनोफाइटा है, पैरोक्लोरोफाइटा है, प्रोक्लेरो क्लोरोफाइटा है, फिर ग्लोकोफाइटा है, रोडोफाइटा, हिट्रो कॉन्टोफाइटा, देन जो ना हेप्टोफाइटा है, क्रिप्टोफाइटा है, डिनोफाइटा है, यूग्लेनोफाइटा है और क्लोरो आर्को आर्केनियोफाइटा है, और देन पे एंड पे फिर क्लोरोफाइटा है। तो ये जो है ना इसने 11 क्लासेस दी थी वेंडन हुक ने। अब हम बात करते हैं जी सबसे पहले जो बेसिकली जो जो फ्रिश ने क्लासिफिकेशन दी थी जिसमें क्लोरोफाइसी की सबसे पहले या क्लोरोफाइटा की बात करते हैं। क्लोरोफाइकोफाइटा जिसको ग्रीन एलजी भी कहा जाता है, क्लोरोफाइकोफाइटा जो था ना क्लोरोफाइटा इज द डिवीन ऑफ द ग्रीन एलजी, इसको ग्रीन एलजी कहा जाता है। दे आर प्रिंसिपली फ्रेश वाटर स्पीशीज, इनको इनका यानी दूसरा नाम ग्रीन एलजी है क्योंकि इनमें जो है ना क्लोरोफिल होता है और कोई दूसरे जो एसेसरी पिगमेंट्स होते हैं वो इतनी मात्रा में नहीं पाए जाते जो इसका कलर तब्दील हो। प्रिंसिपली फ्रेश वाटर स्पीशीज हैं, ताज़ा पानी में पाई जाती हैं जिसमें पॉन्ड्स हैं, लेक्स वगैरह आती हैं। दे आर ऑल्सो फाउंड इन सी वाटर, सी वाटर में भी पाई जाती हैं, समुद्र के पानी में, एंड मैनी अदर टेरिस्ट्रियल इकोसिस्टम, और बहुत से जो टेरिस्ट्रियल खुश्की पर इकोसिस्टम उनमें भी पाई जाती हैं। डिवीजन में जो है ना इसके 500 जेनरा आते हैं और अराउंड 8,000 स्पीशीज हैं क्लोरोफाइटा में। देन जो है ना दे आर मैनी सिंगल सेल फॉर्म्स एंड मैनी कॉलोनियल टाइप्स ऑफ ग्रीन एल्जी, इसमें सिंगल सेल यानी एक सेल वाले भी हैं और कॉलोनी भी बना के रहते हैं मिलजुल के। मैनी यूनिसेलर ग्रीन एल्जी आर मोटाइल बाय फ्लैजेला एक्शन, और ज्यादातर जो यूनिसेलर ग्रीन एल्जी हैं वो मोटाइल हैं यानी मूवमेंट करते हैं क्योंकि उनमें फ्लैजेला होता है। कॉलोनियल टाइप्स हैं जिसमें उसमें वो स्फेयर्स भी हो सकते हैं यानी दायवी भी हो सकते हैं, फिलामेंट भी हो सकते हैं इस तरह, और जो है वो प्लेट लाइक भी हो सकते हैं जी, यानी ये जुड़ के एक प्लेट भी बना सकते हैं। तो ये जो है ना क्लोरोफाइटा है। कुछ स्पेशल स्पीशीज होती हैं जिनमें जो है ना वो रूट लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको होल्ड फास्ट करने में जो हेल्प देती हैं, जो एंकर और टू सबमर्ज देम ऑब्जेक्ट्स आर एक्वेटिक प्लांट्स, कि वो किसी चीज के साथ उनको अटैच होने में या पकड़ने में उसको हेल्प करते हैं। फिर जो है ना सेल जो होते हैं क्लोरोफाइटा के, उनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है यानी इनके सेल में न्यूक्लियस होता है, यूकैरियोटिक है, यूजली ये सेल वॉल एंड द क्लोरोफिल, सेल वॉल भी होती है सेल के अराउंड और क्लोरोफिल भी प्रेजेंट होता है, और पिगमेंट जो होते हैं वो क्लोरोप्लास्ट एज इन हायर प्लांट्स, जिस तरह हायर प्लांट्स में क्लोरोप्लास्ट होता है बिल्कुल इस तरह इनमें होता है ग्रीन एल्जी में। इसीलिए इनको जो है ना वो जो क्लोरोफाइटा है इनको सिस्टर भी कहा जाता है या लिंक किया जाता है प्लांट्स के साथ।
मेजोरिटी ऑफ द ग्रीन एल्जी कंटेन वन क्लोरोप्लास्ट पर सेल। जो ज्यादातर ग्रीन एल्जी है उनके पास एक क्लोरोप्लास्ट होता है एक सेल में। क्लोरोप्लास्ट में जो है क्लोरोफिल ए और बी होते हैं। ग्रीन एल्जी जो रिप्रोड्यूस बोथ सेक्सुअली एंड एसेक्सुअली, यानी दोनों तरीकों से ये इनकी रिप्रोडक्शन हो सकती है, सेक्सुअली भी और एसेक्सुअली। गैमेट फ्यूज भी होते हैं और ये सिंपली वेजिटेशन की मदद से भी कर सकते हैं। क्लोरोप्लास्ट आर ग्रीन, ये ग्रीन इस वजह से है बिकॉज दे आर नॉट मास्क्ड बाय एनी एक्सेसरी पिगमेंट्स, क्योंकि इस वजह से ग्रीन नजर आते हैं क्योंकि जो एक्सेसरी पिगमेंट्स हैं दूसरे जो मदद या जो मामन इसके साथ पिगमेंट्स हैं वो कोई इसके कलर पे इफेक्ट नहीं करते, इस वजह से ग्रीन नजर आता है। बिकॉज ऑफ दिस करेक्टर द मेंबर्स ऑफ क्लोरोफाइट आर कॉल्ड ग्रीन एल्जी, इस वजह से इस करेक्टर की वजह से इनको ग्रीन एल्जी कहा जाता है। द क्लोरोफाइटा हैज अ क्लस्टरिंग सेट ऑफ एक्सेसरी पिगमेंट्स सच एज बी कैरोटीन, बीटा कैरोटीन एंड जिंथोफाइलस, और इसमें कुछ जो एक्सेसरी पिगमेंट्स हैं जिसमें बीटा कैरोटीन आती है और जिंथोफाइलस। ये इसका पहले नंबर पे आता है जी क्लेमाइडोमनास। क्लेमाइडोमनास जिसमें ये देखें पीयर लाइक शेप है इसकी, दो जो है ना फ्लैजेला है, आई स्पॉट है, प्रोटोप्लाज्म है ये देखें, और ये वैक्यूल्स हैं, और ये जो देखें नीचे, तो इट इज अ टिपिकल यूनिसेलुलर मोटाइल ग्रीन एल्जी। तो ये बेसिकल जो है ना ग्रीन मोटाइल है, एक तो मूवमेंट करने वाला और दूसरा यूनिसेलुलर है। वाइल्ड डिस्ट्रीब्यूटेड इन स्टैग्नेंट वाटर, जो पानी खड़ा होता है मोस्टली उसमें होता है, या डैम्प सॉइल, जो डैम्प सॉइल है उसमें, एंड इवन इन स्नो, और स्नो में भी होता है, यानी स्नो एल्जी में भी, जिनको क्रायोफाइटा भी कहते हैं। क्लेमाइडोमनास जो है ना वो नेवियल जो है वो स्नो में पाया जाता है। तो ये इसका बेसिक हो गया कि ये जो क्लेमाइडोमनास है ये एक यूनिसेलर और मोटाइल ग्रीन एल्जी है जो तकरीबन स्टैग्नेंट पानी में पाया जाता है। ये सेक्चुअली भी रिप्रोड्यूस होता है और ए सेक्चुअली भी रिप्रोड्यूस होता है, और ये एक मॉडल ऑर्गेनिज्म है क्लेमाइडोमनास। दूसरे नंबर पे वॉलवॉक जो कॉलोनी बना के रहता है, कॉलोनी ग्रीन एल्जी है, ये देखें इसकी कॉलोनी होती है, और फिर ये फाउंड इन फ्रेश वाटर हैबिटेट्स, मोस्टली ये फ्रेश वाटर हैबिटेट्स में पाया जाता है, ताज़ा पानी में। स्फेरिकल कॉलोनीज होती हैं और इसमें तकरीबन जो है ना वो 50,000 सेल्स भी हो सकते हैं कॉलोनी में। इंडिविजुअल सेल्स आर बाइफ्लेजलेट, बाइफ्लेजलेट ये दो फ्लैजेला होते हैं, मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर टू द डैट ऑफ क्लेमाइडोमनास, और मॉर्फोलॉजिकली अगर देखें तो ये बिल्कुल क्लेमाइडोमनास की तरह होते हैं। उसके बाद क्लोरेला है, क्लोरेला जो है ना ये ग्रीन एल्जी है जो मोस्टली मेनली जो है ना फाउंड होता है फ्रेश वाटर हैबिटेट्स में, जिस तरह पॉन्ड्स एंड डिचेज हैं और लेक्स में। इसकी शक्ल जो होती है वो ग्लोबुलर शेप होती है, ग्लोब की तरह शेप है, ग्लोबुलर। फिर ये नॉन मोटाइल है नेचर में, यानी ये मूवमेंट नहीं करता, इसके पास लैक करता है फ्लैजेला को। जनरली यूज इन सप्लीमेंट फूड सप्लाई, मोस्टली ये फूड सप्लाई में यूज होता है। SCP यानी सिंगल सेल प्रोटीन, SCP की फुल फॉर्म होती है सिंगल सेल प्रोटीन, जो इन सब की जो है ना मिक्सचर बनाया जाता है ताकि जो कमी होती है इंसान में उसको पूरी की जाए। यूलोथ्रिक्स है नेक्स्ट, जो फिलामेंटस है, देखें बॉडी इसकी फिलामेंट की बनी हुई है, ये देखें तो फिलामेंटस है ग्रीन एल्जी है, और ये फ्रेश वाटर और मरीन वाटर दोनों में पाया जाता है। फाउंड इन फ्लोइंग स्ट्रीम, मोस्टली जो है फ्लोइंग स्ट्रीम जो बहता हुआ पानी होता है उसमें पाया जाता है। अटैच होता है टू द ट्विग्स आर स्टोन्स बाय होल्ड फास्ट एट द बेसिस ऑफ द फिलामेंट, फिलामेंट के नीचे जो है होल्ड फास्ट होती है जो इसको पकड़ने में हेल्प करती है या कहीं किसी जगह पे अटैच होने में, तो ये फिर ट्विग्स जस्ट जो स्टोन्स होते हैं उनके साथ अटैच हो जाती हैं। रिप्रोड्यूस होते हैं बाय द मींस ऑफ फ्लैजेलेटेड ज़ूस्पोर्स, ज़ूस्पोर की मदद से, उन स्पोर के साथ जो है ना वो फ्लैजेलेटेड वो मूवमेंट करते हैं, मोटाइल ज़ूस्पोर होते हैं, ज़ूस्पोर जो होते हैं, और ये अटैच हो जाते हैं किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट के साथ और बाद में एक फिलामेंट में डेवलप हो जाते हैं। स्पायरोगैरा को पॉन्ड सिल्क या वाटर सिल्क या फिर ब्लैंकेट वीड भी कहा जाता है। ये इस तरह यानी नजर आते हैं, देखें इसमें बड़े खूबसूरत से जो है ना वो खूबसूरती से अरेंज हुए हैं। फिलामेंटस हैं क्योंकि फिलामेंट के होते हैं, ग्रीन एल्जी हैं, नेम्ड फॉर द हेलिकल और स्पाइरल अरेंजमेंट ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, या स्पाइरल होता है इस तरह या फिर जो है ना हेलिकल जो अरेंजमेंट होती है, इस वजह से इनको स्पायरोगैरा कहते हैं। स्पायरोगैरा वेरी कैमिनेंट कॉमन है रिलेटिवली क्लीन यूट्रॉफिक वाटर में, क्लीन जो यूट्रॉफिक वाटर होता है उसमें डेवलपिंग स्लाइमी फिलामेंटस ग्रीन मैसेज, और उसमें ये स्लाइमी जो है ना फिलामेंटस ग्रीन मैसेज प्रोड्यूस करते हैं जो स्पायरोगैरा होते हैं। नेक्स्ट है जी एसिटोबुलेरिया। एसिटोबुलेरिया जो है ना ये नाम इसलिए इसको एसिटोबुलेरिया कहा जाता है क्योंकि इसका नाम डिराइव किया गया लैटिन वर्ड एसिटेबुलम। एसिटेबुलम जो है ना ये एक ब्रॉड कप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें जो है ना लोग ब्रेड को डिप करके खाते हैं, तो इसकी शक्ल बिल्कुल उस तरह होती है क्योंकि आप टर्न कैप होती है एसिटेबुलेरिया की, रिजेंबल विच सच अ कैप, उस कप की तरह होती है। इस वजह से इसको जो है ना समटाइम्स मरमेड्स वाइन ग्लास भी कहते हैं कि ये जो मरमेड कहते हैं वो जिनको जलपरियां हम कहते हैं कि उनके लिए ये वाइन ग्लास भी है, जो यानी वो इसमें शायद वाइन पीती हैं। ईच एसिटोबुलेरिया सेल्स इज कंपोज्ड ऑफ थ्री सेगमेंट्स, तीन सेगमेंट होते हैं, फुट होता है, फिर बेस होता है नीचे,
और जो है ना कंटेन करता है न्यूक्लियस, द स्टॉक एंड द कैप, यानी फुट, नीचे फुट है जिसमें वो कह रहा है कि उस फुट में जो है ना न्यूक्लियस होता है और ऊपर स्टॉक है ये डंडी सी जो है, और देन जो ऊपर है ये कप है, तो ये एसिटोब्लेरिया की शेप है। दूसरे नंबर पे आती रोडोफाइकोफाइटा, जिसको रेड एलजी भी कहते हैं। ये रेड एलजी इसको भी इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो है ना फाइको एरेथ्रीन जो पिगमेंट होता है वो इसको रेड कलर देता है, जो टोमेटो वगैरह में भी जो है ना रेड कलर की वाइस बनता है। द मेंबर्स ऑफ दिस डिवीजन आर रेड इन कलर, शुरू होते हैं कलर में, हेंस दे आर नोन एज रेड एलजी, इनको इसलिए रेड एलजी भी कहा जाता है। रेड एलजी आर रेड, रेड एलजी इस वजह से रेड है बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ द पिगमेंट फाइको एरेथ्रीन, इन क्योंकि इसमें जो है ना पिगमेंट प्रेजेंट होता है फाइको एरेथ्रीन और वो इसको रेड कलर देता है। दे आर जनरली फाउंड इन फ्रेश वाटर और मरीन वाटर, फ्रेश वाटर या मरीन वाटर दोनों में ये पाए जाते हैं। द मेंबर्स ऑफ दिस डिवीजन आर जनरली मल्टी सेलर थ्रू यूनि सेलर फॉर्म्स आर नोन, तो ये जो है ना मोस्टली मल्टी सेलर है थ्रू, क्योंकि ये पहले यूनि सेलर फॉर्म होते हैं और देन जो है ना मल्टी सेलर बनते हैं। रोडोफाइटा जो होते हैं ना ये आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट द फॉर्मेशन ऑफ ट्रॉपिकल रीफ्स, ये ट्रॉपिकल रीफ्स जो होते हैं ना ट्रॉपिकल रीजन में, और वो रीफ जो है ना वो उनको बनने में हेल्प करते हैं। रीफ बिल्डिंग रोडोफाइट्स आर कॉल्ड कैरोलिन एलजी, इनको कैरोलिन एलजी भी कहते हैं जो रीफ्स बनाते हैं। बिकॉज दे सेक्रीट ए हार्ड शेल, क्योंकि ये एक शेल सेक्रीट करते हैं हार्ड अराउंड देमसेल्फ इन मच सेम वे दैट कॉरल्स डू, और जिस तरह कॉरल्स रीफ्स बनते हैं वो किनारे पे, इसी तरह ये भी जो है ना वो फिर बनाते हैं, क्योंकि इनका हार्ड स्ट्रक्चर जो है ना कैल्शियम कार्बोनेट या कार्बोनेट ये सेक्रेट करते हैं, वो जम होकर बना देता है हार्ड। इन मेनी रेड एलजी ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है और टेक प्लेस बाय नॉन मोटाइल स्पोर, और स्पोर्स की मदद से होता है जिसमें मोनोस्पोर्स आते हैं जो नॉन मोटाइल है। जू स्पोर्स हमने पीछे पढ़े थे ग्रीन एलजी में, जू स्पोर मोटाइल होते हैं, जो मोनोस्पोर होते हैं ये नॉन मोटाइल होते हैं। सेक्सुअल प्रोडक्शन जो होती है वो ओगेमस के जरिए होती है, जिसमें स्पेशलाइज्ड फीमेल ऑर्गन होता है जिसको कार्पोगोनिया कहते हैं, और मेल जो होता है जिसको स्पर्मेटिया कहते हैं, यानी इसमें एग बनता है और इसमें स्पर्म बनता है। सेवरल रेड एलजी इज ऑफ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, कुछ जो होते हैं रेड एलजी उनकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी है, जैसे कैरागिनिन है, ये जो है ना एक्सट्रैक्ट किया जाता है फ्रॉम द वॉल्स ऑफ सेल रेड एलजी, बहुत जो रेड एलजी हैं उनकी जो सेल वॉल्स होती हैं उनसे जो है ना ये कैरागिनिन निकाला जाता है। इट इज़ यूज्ड एज स्टेबलाइजर, इसको स्टेबल करने के लिए, इमल्सिफाइजर इन फूड, और फूड को इमल्स करने के लिए ये यूज होता है, जैसे आइसक्रीम है, कस्टर्ड है और एवोपरेटेड मिल्क है, उन सब को जो है ना ये स्टेबल करने के लिए इसको कैरागिनिन को यूज किया जाता है। दूसरे नंबर पे एगर है, एगर बहुत ज्यादा लैब वगैरह में यूज होता है, प्रिपरेशन ऑफ द माइक्रोबायोलॉजिकल मीडिया एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम गैलिडियम एंड ग्रैसिलेरिया, गैलिडियम और ग्रैसिलेरिया से जो है ना ये एगर लिया जाता है, ये लैब में बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल वगैरह के लिए यूज होता है। गैलिडियम जो है ना वो जीनस ऑफ थैलराइड रेड एलजी है, रेड एलजी का ये जीनस है, कंपराइजिंग इसकी 24 स्पीशीज होती है, जिसमें जी अमानसी है जो एगर मेक करने में इस्तेमाल होता है। दूसरे नंबर पर आता है ग्रैसिलेरिया, ग्रैसिलेरिया जो है ना वो भी रेड एलजी की जीनस है, नोटेबल फॉर इट्स, इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ये है कि ये एगर प्रोड्यूस करने में इस्तेमाल होता है। इट इज जनरली यूज एज फूड के तौर पे भी यूज किया जाता है, ह्यूमन एंड सर्टेन फिशेज सच एज पेंगुइन, और कुछ फिशेज भी इसको खाती हैं जो ग्रैसिलेरिया है। नेक्स्ट आता है जी क्रिप्टोफाइकोफाइटा, जिसको हम क्रिप्टोमोनाड्स भी कहते हैं। ये जो क्रिप्टोमोनाड्स हैं ये स्मॉल ग्रुप ऑफ बाईफ्लैजिलेट्स ऑर्गेनिज्म है, स्मॉल ग्रुप ऑफ यानी छोटा सा ग्रुप है बाईफ्लैजिलेट्स का, जिनके पास दो फ्लैजेला हैं ये देखें, देन जो है ना टू अनइक्वल फ्लैजेला होते हैं, एक बड़ा होता है और एक छोटा होता है, विच अराइज फ्रॉम द बेस ऑफ द ग्रूव, और ये ग्रूव के बेस से निकलते हैं, ये ग्रूव है यहाँ से जो है ना ये छोटा है और एक बड़ा है। उसके बाद है जी द सेल्स आर स्लीपर शेप एंड अकर सिंगली, और जो सेल्स होते हैं वो स्लीपर शेप्ड होते हैं और सिंगली अकर होते हैं। सम फॉर्म्स हैव अ सेलुलोज सेवाल, कुछ के जो फॉर्म्स होती हैं उनके पास सेलुलोज वाल होते हैं, वाइल अदर्स आर नेकेड, और कुछ जो होती हैं वो नेकेड होती हैं, सराउंडेड बाय प्लाज्मो लेमा, और उनके अराउंड जो है ना वो प्लाज्मो लेमा होता है विद अ थिन ग्रेनुलर मटेरियल ऑन द आउटसाइड, और उसके बाहर जो है ना एक पतला सा थिन ग्रेनुलर मटेरियल होता है। ये इनके पास जो है ना वो देर आर वन आर टू आर विदाउट पेरिनाइड्स पर सेल्स, या फिर पेरिनाइड्स के बगैर हो सकते हैं। देन जो ना फूड रिजर्व जो होता है इनमें वो ट्रू स्टार्च है, स्टार्च मटेरियल जो है ना वो और ऑयल, ये दोनों जो है इनमें फूड रिजर्व मटेरियल होता है जो स्टोर होता है। लॉन्गर जो फ्लैजेलम होता है वो टू रो बनाता है जिसको मस्टिगोनियम्स कहते हैं, वाइल द शॉर्टर जो फ्लैजेलम होता है उसमें सिंगल जो है ना रो होती है मस्टिगोनियम्स की। क्लोरोप्लास्ट जो होता है उसमें क्लोरोफिल ए और सी होता है, लेकिन जो कलर है वो वैरायटी ऑफ जो अदर एसेसरी पिगमेंट्स होते हैं वो इनके कलर को
जो है वो मास्क कर देते हैं, ग्रीन कलर इसका नहीं होता। यानी पिगमेंट इसमें जो है वो फाइकोसायनिन है, फाइकोएरिथ्रिन है, अल्फा कैरोटीन है और जेंथोफाइलस है। ये सारे जो है या जेंथोफिल्स है, ये सारे इसमें पिगमेंट्स होते हैं। रिप्रोडक्शन जो है ना वो इधर मीन्स ऑफ लैग्निट्यूडल सेल डिवीजन, लैग्निट्यूडल भी हो सकती है या फिर जो है ना स्पोर्स की मदद से भी हो सकती है, जिसमें जू स्पोर्स आते हैं और वो जू स्पोर्स मोटाइल होते हैं। ये जो है ना इसमें फ्लैजेला की टाइप्स, वन रो है जो सिंपल है, टू रोज है देखें, और फिर टर्मिनल जो है ना फिलामेंटस है टर्म से, और ये देन जो है ई है। ये नीचे नेम भी दिए गए हैं, जो ए है वो स्टिचोनिमेटिक है, बी जो है वो पेंटो निमेटिक है, सी जो है वो एक्रोनिमेटिक है, और जो डी है वो पेंटा पेंटा क्रोनिमेटिक है, और जो ई है वो सिंपल है। देन है जी क्रिप्टोमोनास। क्रिप्टोमोनास जो है ना इंपॉर्टेंट मेंबर है क्रिप्टोफाइटा डिवीजन का, वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है फ्रेश वाटर हैबिटेट्स में। क्रिप्टोमोनास जो है ना वो डाइमॉर्फिक जीनस है, डाइमॉर्फिक यानी दो शेप्स इसकी बनती है, मीनिंग आइदर प्रोटोजोन भी हो सकता है जिसमें क्रिप्टोमोनिडिया आता है, या फिर एल्गा भी हो सकता है, यानी ये प्रोटोजोन में भी आ सकता है और एल्गा भी हो सकता है, यानी इसकी डाइमॉर्फिक होती है। सेल जो होते हैं वो ब्राउनिश इन कलर होते हैं एंड हैव अ स्लिट लाइक फुरो एट द इंटीरियर, और इंटीरियर पे जो है ना ये स्लिट लाइक एक फुरो बनती है इसकी। दे आर नॉट नोन टू प्रोड्यूस एनी टॉक्सिन, ये कोई टॉक्सिन नहीं प्रोड्यूस करते, और स्मॉल जो जू प्लांकटन है वो यूज टू फीड स्मॉल जू प्लांकटन विच इज फूड सोर्स फॉर स्मॉल फिश इन फिश फार्मिंग, और स्मॉल जो फिश होती हैं उनके लिए इसको एज अ फूड भी इस्तेमाल किया जाता है। करंटली देयर आर 26 स्पीशीज ऑफ क्रिप्टोमोनास, इसकी 26 स्पीशीज जो है ना वो अभी तक नोन है। नेक्स्ट वी ने जी युग्लेनोफाइकोफाइटा। युग्लेनोफाइकोफाइटा की अगर बात करें तो युग्लेनोफाइकोफाइटा जो है इसको युग्लेनाइड्स भी कहते हैं। एल्गल डिवीन जो होती है कॉमनली नोन एज युग्लेनाइड्स, कॉमनली जो है इनको आमतौर पर युग्लेनाइड्स कहा जाता है, बिकॉज द बेस्ट नोन जीनस ऑफ द ग्रुप इज युग्लेना, क्योंकि इसका जो बेस्ट जीनस है, जो जीनस नोन है वो युग्लेना है। मोस्ट ऑफ द युग्लेनोफाइटा आर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म बट सम आर मरीन, ज्यादातर जो है ना वो फ्रेश वाटर है, ताज़ा पानी में रहते हैं, कुछ जो होते हैं वो मरीन में रहते हैं। देर आर अराउंड 800 स्पीशीज ऑफ युग्लेनोफाइट्स, तकरीबन जो है ना वो 800 स्पीशीज हैं युग्लेनोफाइट्स की। दे आर यूनिसेलर फ्लैजेलेट्स, ये मोस्टली जो है ना वो यूनिसेलर फ्लैजेलेट्स हैं, यानी एक फ्लैजेला इनमें होता है। दे आर ऑलमोस्ट ऑलवेज टू फ्लैजेला बट वन ऑफ दीज इज ऑफन वेरी शॉर्ट, वो कहता है कि ऑलमोस्ट क्या होता है कि ज्यादातर जो है ना वो इनमें दो फ्लैजेला होते हैं, लेकिन जो एक होता है ना वो बहुत मुख्तसर बहुत शॉर्ट होता है, इस वजह से इसको मोस्टली जो है ना वो दे आर यूनिसेलर फ्लैजेलेट्स भी कहते हैं। द मेंबर्स लैक सेल वॉल नहीं होती बट नॉर्मली आर सराउंड बाय एन आउटर लेयर ऑफ पेलिकल, लेकिन इनके जो सेल के अराउंड एक जो है ना वो लेयर होती है पेलिकल की बनी हुई, विच इज कम्पोज ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड, जो कि प्रोटीन्स और लिपिड्स की बनी होती है जो इसको प्रोटेक्ट करती है, लेकिन इनके अराउंड सेल वॉल नहीं होती। ये इंटरेस्टिंग चीज है युग्लेनास। द युग्लेनाइड्स एल्जी कंटेन क्लोरोफिल्स, इनके इनमें क्लोरोफिल होता है ए एंड बी, लाइक द ग्रीन एल्जी, जिस तरह ग्रीन एल्जी में टिपिकली अपीयर ग्रीन, ये भी ग्रीन नजर आते हैं क्योंकि इनमें क्लोरोफिल जो होता है ना उसके कलर को कोई एक्सेसरी जो पिगमेंट्स है वो मास्क नहीं करते। ऑफ द एक्सेसरी पिगमेंट्स, जो एक्सेसरी पिगमेंट्स हैं वो प्रेजेंट है, मोस्ट जो इंपॉर्टेंट है उसमें बीटा कैरोटीन है, नियोजेंथिन है एंड डाया डाइनोजेंथिन है, ऑल दो इसमें जो है ना वो इकनिनोन है और डाया डाइटो जेंथीन एंड जी जेंथीन आर आल्सो फाउंड, ये कुछ पिगमेंट्स हैं जिसमें इसमें एक्सेसरी जो पिगमेंट्स पाए जाते हैं और तादाद में काफ़ी हैं। द ग्रुप इज आल्सो नॉन टू कंटेन कार्बोहाइड्रेट पैरामाइलोन, इसमें जो रिजर्व फूड मटेरियल है वो कार्बोहाइड्रेट पैरामाइलोन है। न्यूट्रिशन की अगर बात करें तो ये फोटोसिंथेटिक है, यानी ये जो है ना फोटोसिंथेसिस करते हैं टेकिंग अप बाय ऑर्गेनिक कंपाउंड की मदद से, और इसकी एग्जाम्पल है युग्लेना। हीटरोट्रॉफिक भी हैं कुछ, फोटोसिंथेटिक जो अपनी फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, हीटरोट्रॉफिक जो अपनी फूड खुद प्रिपेयर नहीं करते, ये कलरलेस होते हैं, यानी क्लोरोफिल का इनमें जो है ना काम नहीं होता। युग्लेनोफाइट्स विच आर कम्प्लीटली डिपेंड ऑन हीटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, जो हीटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पर डिपेंड करते हैं, यानी दूसरे प्लांट्स पे या एनिमल्स पे डिपेंड करते हैं जिसमें एस्टेशिया आता है। फिर कुछ जो होते हैं वो फैगोट्रॉफिक होते हैं, फैगोट्रॉफिक वो होते हैं जो युग्लेनाइड्स होते हैं जो पोजेस फैगोट्रॉफिक एंड पोजेस अ स्पेशल अपरेटस फॉर कैप्चरिंग अ प्रे एंड अ साइटोस्टोम फॉर इंजेस्टिंग देम, ये जो होते हैं ना ये स्पेशली शिकार करते हैं या प्रे को जो है ना जो शिकार होता है उसको पकड़ते हैं, इनमें स्पेशली इस तरह का अपरेटस होता है जिसमें एग्जाम्पल जो है ना पैरानीमा आती है। ये जो है ना युग्लेना का स्ट्रक्चर है कुछ इस तरह, जिस तरह एक चप्पल जो है ना जो शू है या जो है ना वो उसका सोल होता है बिल्कुल उस तरह, इसमें न्यूक्लियस है
न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, स्टोर्ड कार्बोहाइड्रेट्स हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गॉल्जी ऑपरेटस है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स हैं, फोटोरिसेप्टर्स हैं, स्टिग्मा होता है और ये एक फ्लैजेला यूनिसेलुलर। नेक्स्ट जो है ना यूग्लेना की अगर बात करें तो दे आर बोथ प्लांट लाइक एन एनिमल एनिमल लाइक, यानी इसमें दोनों तरह की करेक्टरिस्टिक पाई जाती है, प्लांट लाइक भी है और एनिमल लाइक भी है यूनिसेलुलर। दे आर मोटाइल बाय मीन्स ऑफ फ्लैजेलम, और फ्लैजेलम की मदद से ये मोटाइल है, उसकी मदद से मूव करता है। कॉमनली अकर इन फ्रेश वाटर एंड साल्ट वाटर, आमतौर पर ये जो है ना फ्रेश वाटर और साल्ट वाटर में पाया जाता है। देर इज नो सेल वॉल कंटेनिंग सेलुलोज, कोई सेल वॉल नहीं होती इसमें जो सेलुलोज जिसमें पाया जाता हो, क्योंकि हमने पढ़ा है कि इसमें पेलिकल मौजूद होता है। देन जो आउटर मेम्ब्रेन इज एन ऑर्गेनाइज्ड पेरिप्लास्ट, और जो आउटर मेम्ब्रेन होती है उसमें ऑर्गेनाइज्ड पेरिप्लास्ट होता है आउटर मेम्ब्रेन यानी प्रोटोप्लास्ट के ऊपर। सर्टन स्पीशीज डेवलप अ प्रोमिनेंट स्टिग्मा और आई स्पॉट, कुछ जो चंद स्पीशीज हैं उसमें स्पेशल प्रोमिनेंट स्टिग्मा या आई स्पॉट होता है, जैसे इसमें है ये देखें। देन जो है ना कंट्रैक्टाइल वैक्यूल आर आल्सो प्रेजेंट, कंट्रैक्टाइल वैक्यूल भी इसमें प्रेजेंट होता है। मोस्ट स्पीशीज यूग्लेना की होती है फोटोसिंथेसाइजिंग है, यानी अपनी फूड खुद प्रिपेयर करती हैं, क्लोरोप्लास्ट उनकी बॉडी के अंदर होता है विच इनेबल देम टू फीड बाय ऑटोट्रॉफी लाइक प्लांट्स, ये जो होता है उस इनको इस काबिल बनाता है कि ये प्लांट्स की तरह अपनी फूड खुद तैयार कर सकें। तब ये इसने बता दिया कि आई स्पॉट है जो है ना, देन भी शॉर्ट फ्लैजेलम भी है छोटा सा एक, न्यूक्लियस है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, क्लोरोप्लास्ट और प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। इन लो मॉइस्चर कंडीशन के जब नमी कम होती है, आर व्हेन फूड इज स्कार्सी, जब फूड जो होते हैं स्कार्स कम होती है, यूग्लेना फॉर्म्स अ प्रोटेक्टिव वॉल अराउंड इटसेल्फ, तो ये अपने इर्द गिर्द जो है एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेता है, एक वॉल बना लेता है, लाइज डॉर्मेंट एज रेस्टिंग सीट, और अंदर जो चीज़ होती है वो फिर डॉर्मेंट चली जाती है जब तक जो है ना इन्वायरमेंटल कंडीशन इंप्रूव नहीं होती या फिर दोबारा नॉर्मल नहीं होती। ऑल यूग्लेनाइड्स, यानी ये जब इन्वायरमेंट सख्त हो जाता है तो अराउंड एक पेलिकल बना के अंदर सो जाती है। ऑल यूग्लेनाइड्स हैव टू फ्लैजेला रूटेड इन बेसल बॉडीज, दो फ्लैजेला होते हैं बेसल बॉडी से, और एक जो होता है वो बिल्कुल स्मॉल है और दूसरा लार्ज फ्लैजेला है। स्मॉल रिजर्वियर एट द फ्रंट ऑफ द सेल यूग्लेना, वन फ्लैजेलम इज वेरी शॉर्ट, एक जो फ्लैजेलम होता है वो बहुत शॉर्ट होता है एंड डज नॉट प्रोट्रूड फ्रॉम द सेल, और वो सेल से बाहर भी नहीं निकलता, जबकि दूसरा लॉन्ग होता है और विजिबल होता है विद लाइट माइक्रोस्कोपी की मदद से। नेक्स्ट है जी क्राइसोफाइकोफाइटा, जिनको गोल्डन ब्राउन एलजी भी कहते हैं, गोल्डन होते हैं यानी गोल्डन ब्राउन एलजी, लार्ज ग्रुप एलजी का, कॉमनली ये फ्रेश वाटर में पाया जाता है। स्पीशीज जो होती हैं क्राइसोफाइकोफाइटा की जो ना प्रीडोमिनेंटली फ्लैजेलेट्स होती हैं, इनमें फ्लैजेलेट्स होते हैं। सम आर अमीबॉइड विद द सीडोपोडियल एक्सटेंशन ऑफ द प्रोटोप्लाज्म, कुछ जो होती हैं उनमें अमीबा लाइक जो होते हैं वो सीडोपोडियल होते हैं, सीडोपोडिया, सीडो यानी फॉल जो है वो पोडिया होते हैं, एक्सटेंशन होती है प्रोटोप्लाज्म की, प्रोटोप्लाज्म जो साइटोप्लाज्म होता है वही एक्सटेंड हुआ हुआ होता है इस तरह। मोस्ट फॉर्म्स आर यूनिसेलर, ज्यादातर जो होते हैं वो यूनिसेलर होते हैं, बट कुछ जो होते हैं वो कॉलोनीज भी बना के रहते हैं, जैसे ये कॉलोनीज बना के रहते हैं। दे डिफर फ्रॉम द ग्रीन एलजी, ग्रीन एलजी से ये नेचर ऑफ पिगमेंट में डिफरेंट होते हैं, क्योंकि इनमें जो स्टोरिंग रिजर्व फूड होती है वो ऑयल होती है या फिर क्राइसो लेमिनेरियन होता है रेदर देन स्टार्च, जबकि जो ग्रीन एलजी है उसमें स्टार्च लाइक प्लांट, इसमें जो है ना वो क्राइसो लेमिनेरियन है, इस वजह से इसको क्राइसोफाइकोफाइटा कहा जाता है। करेक्टरिस्टिक अगर देखा जाए क्राइसो माइकोफाइटा की, तो इनका जो कलर होता है वो मास्क कर लेता है क्लोरोफिल का बाय ब्राउन पिगमेंट्स, जो ब्राउन पिगमेंट्स होते हैं वो क्लोरोफिल का जो ग्रीन कलर होता है उसको मास्क कर देते हैं। रिप्रोडक्शन जो होती है वो कॉमनली बाइनिफिशन की मदद से होती है, बट ओकेजनली आइसोगैमस और कुछ जो है ना वो कभी कभी आइसोगैमस भी होती है, आइसो का मतलब होता है कि सेम गैमस गैमेट बनते हैं एक जैसे एक साइज के। देन जो है ना वो आक्रोमोनास इसकी एग्जाम्पल है, यूनिसेलर जीनस है, अनइक्वल फ्लैजेलियम, और इसमें जो फ्लैजेलेटिन होती है वो अनइक्वल होती है, एक यानी छोटा और एक बड़ा फ्लैजेला होता है। फ्लैजेलिन फ्लैजेला जो होता है ये फ्लैजेलिन प्रोटीन का बना होता है। दे आर आइदर स्फेरिकल दायरवी भी हो सकते हैं और सिलेंड्रिकल या सिलेंडर की शक्ल के भी हो सकते हैं। कॉमनली ये फ्रेश वाटर या ब्रैकिश या फिर मरीन वाटर में नजर आते हैं। कुछ स्पीशीज जिसमें जो है ना वो आक्रोमोनास है डेंशिया आर इम्पोर्टेंट इन फिजियोलॉजिकल एंड मॉलिक्यूलर स्टडीज, वो फिजियोलॉजिकल और मॉलिक्यूलर स्टडी में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, स्टडी करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है जी क्राइसोमेबा, जो है ना क्राइसोमेबा ये आर यूनिसेलर फ्लैजेलेट्स होते हैं, यानी इनमें एक ही जो है ना वो एक तो यूनिसेलर है एक सेल के हैं, दूसरा इसमें फ्लैजेलेट्स होते हैं फ्लैजेला होता है। द फ्लैजेला आर अनइक्वल इन लेंथ, और जो फ्लैजेला है वो अनइक्वल है लेंथ में, यानी वो एक ही साइज के नहीं होते।
देन टू डिस्टिंक्टिव प्लास्टिड्स इन द फोटोसिंथेटिक फॉर्म्स, जो है ना टू डिस्टिंक्टिव प्लास्टिक्स होते प्लास्टिड्स होते हैं और इन द फोटोसिंथेटिक फॉर्म, और फोटोसिंथेटिक फॉर्म यानी फोटोसिंथेसिस करते हैं, अपनी फूड को प्रिपेयर करने में हेल्प करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। अमीबॉइड सेल्स विद द लार्ज नंबर ऑफ लॉन्ग राइजोपोडिया, इसमें लॉन्ग राइजोपोडिया होते हैं रेडिएटिंग फ्रॉम द सेंट्रल मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म। ये देखें राइजोपोडिया जो ना सेंट्रल मास से ओरिजिनेट हो रहे हैं। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो जी, लाइक कर दें वीडियो को और सब्सक्राइब कर दें चैनल को। अल्लाह हाफिज़।